हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं जो है इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि रेलवे के जो GDC परीक्षा होती है, जो रेलवे के अंदर ही आती है, तो 29 और 30 अप्रैल को जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली थी रेलवे की, लखनऊ में नॉर्थ जोन में जो परीक्षा होने वाली थी आप लोगों की, रेलवे GDCE की परीक्षा, वो जो है स्थगित कर दी गई है, यानी कि पोस्टपोन हो गया है। अब आप लोग सोचेंगे, मैम ये GDCE क्या है? तो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, जो आप लोग के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं ना इंटरनली, जो मतलब पोस्ट होती है काफी सारी, तो GDCE के अंदर जो आप लोग की जूनियर इंजीनियर क्लर्क की, स्टेशन मास्टर की, जो भी पोस्ट के लिए जो आप लोगों के क्या कहते हैं एग्जाम होने वाला था 29 और 30 अप्रैल को, वो जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये जो एग्जाम है बच्चे, वो स्टूडेंट्स की ही मांग थी कि ये एग्जाम पोस्टपोन किया जाना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हो कि कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने ही जो है बोला था कि भाई एग्जाम जो है ये पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके के जो क्रिटिकल कंडीशन जो चल रही है उसकी वजह से एग्जाम देने में जो है नहीं पहुंच पा रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। अब आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई रेलवे का जो एग्जाम है ये एक पोस्टपोन हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो क्या इसका असर NTPC फेस 7 पे और ग्रुप डी पे पड़ सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप लोगों का जो GDCE की जो परीक्षा होती है वो किसी एक पर्टिकुलरली जोन में होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं ये, उनका RRB ग्रुप डी से या NTPC एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, अलग है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एक बात बता दूं कि NTPC जो फेज 6 एग्जाम हुआ है उसके बाद अभी तक भी जो NTPC 7th फेज का जो एग्जाम है उसके बारे में कोई भी अपडेट रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है, ना ही हमें ये बताया गया, जितनी भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की उसमें हमें ये भी अभी तक नहीं बताया गया कि जो आपके ग्रुप डी एग्जाम्स होंगे वो कब तक होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब तक जो NTPC फेज 7 का एग्जाम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे। तो अभी इस बारे में हम लोग नहीं बोल सकते कि NTPC फेज 7 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है या ग्रुप डी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। 6 फेज तक पूरा आप लोगों का जो प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका है, लेकिन आगे जो है वो आपके अभी जो है हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे ये वाले, जो आप लोग के स्टेशन मास्टर जूनियर इंजीनियर क्लर्क के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे, GDCE की जो परीक्षा थी रेलवे के अंतर्गत जो आती है, वो 29 और 30 अप्रैल को होने वाली थी लखनऊ में, है ना, लखनऊ के नॉर्थ जोन के जो परीक्षा होने वाली थी डिपार्टमेंटल, वो जो है एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो जो भी आप लोगों के NTPC फेज 7 या ग्रुप डी के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन मिलता है, मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट करूंगी, ठीक है। अभी बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है या फिर नहीं।